जो आप औरों को देते हो वो कई हजार गुना वापस मिलता है। देने वाला कोई और नहीं है, आपका तीसरा शरीर है। अगर आप औरों के प्रति कोऑपरेशन का भाव, प्रेम का भाव पैदा करते हो तो वही आपके अंदर आपके दूसरे शरीर में आता है, फिजिकल बॉडी में आता है, और वही आप एनर्जी रेडिएट करते हो, आपके चारों तरफ लोग जो है वो कंपेल हो जाते हैं आपको कोऑपरेट करने के लिए। वो आपकी एनर्जी औरों को प्रेरित करती जैसे ही आपकी ओरा में आए कि आपके मित्र बन जाए। और वही 24 घंटे अगर मैं सोचता हूं घृणा, ये बुरा है, वो बुरा है, ये बहुत ही गलत आदमी है, इसने मुझे धोखा दिया है, उसने धोखा दिया है, तो क्या होगा? मैं अपना मनोमय कोश कुरूप कर रहा हूं, नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहा हूं, और वो नियंत्रण करती मेरे प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो है वो बेकार हो गया, और प्राणमय कोश जो ऊर्जा अंदर भेजेगा मेरे शरीर में वो बहुत ही बुरी होगी, और वहां से जो मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं चारों तरफ, सारे लोग जो भी मेरी ऑरा में आएगा वो मेरे लिए बुरा ही होगा, वो मेरे को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करेगा। ये मेरे हाथ में है, इसलिए इस साइंस को समझते हुए ये याद करो, जो तुमको चाहिए, जो तुमको चाहिए वही औरों के बारे में सोचना, वही औरों के साथ करना। जो तुमको चाहिए वही औरों को देना, जो तुमको नहीं चाहिए औरों के बारे में वो नहीं सोचना। जो तुमको नहीं चाहिए वो औरों को मत देना। किसी को नहीं चाहिए कि कोई गाली दे तुमको, लेकिन अगर आप किसी को गाली देते हो तो कई हजार लोग गाली देने भी आ जाते हैं। इसलिए अगर प्यार चाहिए प्यार दो, सहायता चाहिए सहायता दो, धन चाहिए दान दो। लोग सोचते हैं कि दान देने से धन थोड़ी आएगा, बहुत आता है, रुकता ही नहीं। भगवान ने जितना मुझे दिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर मैं दान में दे देता हूं, लेकिन मन में यह भाव नहीं लाना मैंने दान दिया, अहंकार आ जाएगा, फिर सब मिलना बंद हो जाएगा। जिसको दो उसको हाथ जोड़ के नमन करके आपको प्रणाम कि आपने मुझे पुण्य करने का मौका दिया, इस भाव से अगर करते हो तो सच्ची बात है रुकावट आती नहीं। हमारे जितने शिव योगी हैं, तीन मंत्र सिखाए हैं मैंने, साधना सेवा संकीर्तन।